जो नेपाल में जाए पास कपिल वस्तु
जन्म दे दिया यार सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का, लीना राहुल नाम रखा गौतम ने बाहर की दुनिया। अब तक तो देखी थी ना एक बार महलों से बाहर, जाने का मन लिया बना गौतम अपने रथ में बैठकर। सारे नगर में घूमे जा उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी, रास्ते में दीना दिखला उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी। उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी रास्ते में दीना दिखला। सिद्धार्थ गौतम लगे पूछने, हमें सारथी देव बता कौन है कमजोर आदमी, इसे क्या हुआ देव बता। बोला सारथी ये तो आदमी बूढ़ा हो गया है समझा, एक दिन तो युवराज तुम्हें भी बूढ़ा होना पड़ेगा जा। इसी अवस्था में हर कोई पहुंचता है तुम्हें बता, बोलो सारथी क्या हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा जाए। हमें उत्तर दे के सारथी फिर आगे को बढ़ गए जा। उन्हें मिला बीमार आदमी लेटा हुआ रहा कर हाय, उन्हें मिला बीमार आदमी। मर गया पता ये भी हमारी तरह कोई था, इस दुनिया का ही इंसान ये भी हमारी तरह कोई था।
दिखला, लेकिन उनको इस यात्रा में मंजिल कहीं नजर न आया, लेकिन उनको इस यात्रा में मंजिल कहीं नजर न आया। फिर तो उन्होंने अपने मन में लीना दृढ़ संकल्प उठा, प्रभु से ध्यान लगा। एक स्त्री नाम सुजाता, खीर चढ़ाने गई वहाँ, वो समझी कि पीपल देवता। गए हमें साक्षात दिखा, उसने तो वो भोग खीर का सिद्धार्थ को दिया खिला, उसने तो वो भोग खीर का। पुत्र को पाए मांगी होगी मनोकामना, उसने उस पीपल से जा उसी वृक्ष के नीचे उनको 29वें दिन को बतला। वैसाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हो गया, बताए वे राज सिद्धार्थ। तभी से गौतम बुद्ध गए कहला, तभी से वो पीपल का वृक्ष भी गया कहला। फिर तो सारे नाथ में पहुंचे, वो काशी के पास बता। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया अषाढ़ पूर्णिमा को जा, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने पांच ब्राह्मणों को समझा, दीना था उपदेश उन्हीं को पाली भाषा में समझा। पर उन पांचों ब्राह्मणों ने किया प्रचार समाज में जा, धीरे धीरे गौतम बुद्ध के शिष्य अनेकों हो गए जा। एक शिष्य आनंद नाम का लीना था प्रिय शिष्य बना, बौद्ध धर्म का उदय हो गया। अपने इसी देश में जा बड़े बड़े राजा महाराजा बन गए बुद्ध के शिष्य बताए। महान सम्राट अशोक भी तो गए बुद्ध की शरण में आए, महान सम्राट अशोक भी तो बन गए। बोध संघ जो गया कहा, गात्री अग्नि होते मंत्र का क्रिया प्रचार बुद्ध ने आए। उन्होंने बहुजन हिताय के लिए किया प्रचार जगत में जाए। बुद्ध ने अंतिम भोजन खाया, कुंडा लोहार के घर जाए। तब से वो बीमार पड़ गए,
की।